बात ये है कि हम लोग पहुँचे लाहौर, और लाहौर पहुँचने के बाद हमें ये पता चला कि मेरा जो सूट है वो इस्लामाबाद रह गया है। एक ये लड़का है ये इसकी वजह से, और एक ये लड़का है इसकी वजह से। तो इन लोगों ने मुझे सूट जो था वो याद नहीं करवाया, सूट वहीं रह गया। तो ये जो सूट मैंने पहना हुआ है थोड़ा सा फिट तो है, लेकिन ये सूट है जी हुज़ैफ़ा अतर का, और हुज़ैफ़ा के घर हम पहली दफ़ा आए हैं। बहुत अच्छा घर बना हुआ है। अभी तकरीबन टाइम होने वाला है, 1-5 मिनट रहते हैं, हम लोगों ने निकलना है। तैयब के हॉल में पहुंच के फिर आप सब बाकी बातें करेंगे। मगरिब के बाद का टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं जी विंग्स खाने, और गाड़ी बिल्कुल तैयार है हमारी। विंग्स खाने की जगह पर पहुंच रहे हैं। लोकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप भी जब भी लाहौर आइएगा तो ये विंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लास के हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फौजी टिक्का हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आपको फौजी टिक्का नज़र आ रहा होगा, और हुज़ैफ़ा ने यहाँ से मंगवाने हैं जी विंग्स मंगवाने, और सुना है कि यहाँ के विंग्स बहुत अच्छे हैं। विंग्स आते हैं तो फिर हम आपको विंग्स भी दिखाते हैं और बाकी सारा सीन भी दिखाते हैं। विंग्स हम लोग मंगवा चुके हैं, विंग्स ट्राई भी हो चुके हैं। बहुत ही यूनिक डिफरेंट सा एक टेस्ट है। इस तरह के विंग्स में बिल्कुल सेम अंदाज के आपके OPTP किससे भी मिल जाते हैं, लेकिन जायका बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है। ये जायका बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म का है। लोकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग खाते हैं विंग्स। ये वाला ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम।